Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आदरणीय डोटासरा साहब जो कहो मैं तो युवा हूं 26 साल की उम्र है मारो तो घूमन फिरन रो नाचन कूदन की उम्र है आप ये उम्र में मत मीना नाच कूद मत करो कमर में दर्द पड़ जा है। जन आशीर्वाद यात्रा तो आप बहुत पहले से निकाल रहे थे, हेडपंप वाली घटना बाद में हुई, किस चीज ने मजबूर किया? क्या पहले से ही मन बना चुके थे कि सांसद का चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव में इतना प्यार मिला है तो? ना, मैं कदे पार्लियामेंट चुनाव रो सोचो भी कोनी हतो और ए तो जनता रो आदेश हतो और जनता रे आदेश री पालना करी। हां, उवीर मीना हेडपंप रो भी मोटो योगदान थी कह सको। आपके बहुत सारे भाषण सुने हैं, आप अपने काम की बात करते हैं, आप जनता को यही कहते हैं हर बार कि आप सब रविंद्र हैं, मैं हर क्षेत्र तक नहीं जा सकता इसलिए आप सब रविंद्र हैं और आप ही को चुनाव लड़ना है। आप बहुत ज्यादा किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने नामांकन वाली रैली में गोविंद डोटासरा पर कटाक्ष किया कि वो नाचते हुए नजर आए। उसके बाद गोविंद डोटासरा ने भी कहा कि आप भी नाइट पार्टीज में डांस करते हैं। देखो सब कटाक्ष में ना और टिकट टिप्पणी में हमेशा बचने का प्रयास करियो और आगे भी वो प्रयास यही करी कि यहाँ पे टिकट टिप्पणी में बचाऊ। और जो नामांकन रैली में कही वो एक जवाब है तो जो मैं हमारे सवाल जो पूछा वो रहे। और रही बात दूसरी, आदरणीय डोटासरा साहब जो कही हो मैं तो युवा हाँ 26 साल की उम्र है मारो तो घूमन फिरन रो नाचन कूदन की उम्र है, आप ये उम्र में मत मीना नाच कूद मत करो कमर में दर्द पड़ जा है, मेरा चिंता है उम्र ये वास्तव में उन्होंने कह रहे। पर वो कह रहे हैं कि लोकगीत में डांस करने में मुझे, मैं कोई डांसर तो हूँ नहीं, मैंने अपनी खुशी में डांस कर दिया, अब उस पर टिप्पणी कर दी। बहुत ही बढ़िया है, आप तो और आगे नाचो, आप ना ज्यो उचित लगे आप करो, आप स्वतंत्र है। कैलाश चौधरी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़े बड़े लीडर्स को, जयपुर दिल्ली के जो नेता है उनको बाड़मेर में लाने पर मजबूर कर दिया। नहीं साहब, मैं कोई मजबूर कौन करे, हूँ तो मारू काम करा पड़ी और आदरणीय कैलाश जी आप रो काम कर रहे हैं, मैं मारू काम कर रही हूँ और बाकी जो निर्णय है 26 तारीख को जनता ने करना है, जनता रो जो आदेश हो वो सर्वोपरि है, सिर माथे जी। आपको क्या लगता है कि आपका, आपकी जो फाइट है वो किससे है, उम्मीदवार बेनीवाल या फिर कैलाश चौधरी? नहीं, मारी क्या फाइट को नहीं है और मैं आराम बिना मारू काम कर रही हूँ, मैंने जनता रो माथे भरोसा है, जनता मेरा पूरे मैंडेट रहे चुनाव जीता। नहीं, कोई तो एक तीसरे नंबर पे जाएगा ही ना, एड़ो कहीं को नहीं है, वो उम्र है वो आपस में तय कर ले कन के न कठे। अब चूंकि आप तो निर्दलीय हैं, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, आपका क्या वादे हैं बाड़मेर की जनता से, जैसलमेर की जनता से? संगा मोटी चीज की हमारे क्षेत्र में पानी चाहिए, पानी की बहुत मोटी और विकट समस्या हमारे ये थार रमीना है, विश्वास में बड़ो कह सका आने वाले दौर में मीना पानी की जो कोई समस्या है ये ना किल्लत ना पूरे तरीके में खत्म करा। साथ ही साथ एज ए यूथ अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट खुद रमीना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज तारीख रमीना में हजारों मल्टी नेशनल कंपनीज मारो काम कर रही है पर मारे स्थानीय ना उत खेत भी रोजगार को नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मारो मोटो मुद्दो रहे हैं। साथ ही साथ हम आपने बतानी चाहूँ कि DNP वगैरह और कई सारे चीज़ें ओरण है, DNP है जिकर कारण हमारा उतरा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं वो तमाम चीज़ों माथे काम करूँ। बाकी चीज़ रही बात घोषणा पत्र रही, हमारे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता ने इतो भरोसा है कि रविंदर जो करेला ठीक करेला, केरो गलत को नहीं बनते, कह बेड़ी कोई भी तरीके री ना इंसाफी को नहीं बनते, ये चीज़ रो मन भरोसा और मैं वे माथे करूँ। जन आशीर्वाद यात्रा तो आप बहुत पहले से निकाल रहे थे, हेडपंप वाली घटना बाद में हुई, किस चीज ने मजबूर किया? क्या पहले से ही मन बना चुके थे कि सांसद का चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव में इतना प्यार मिला है तो? ना, मैं कदे पार्लियामेंट चुनाव रो सोचो भी कोनी हतो और ए तो जनता रो आदेश हतो और जनता रे आदेश री पालना करी। हां, उवीर मीना हेडपंप रो भी मोटो योगदान थी कह सको। कई सारी चीजा बनती बनती बिगड़ गई पर खैर कई बार जो कुदरत ना मंजूर हुए, जो प्रकृति ना मंजूर हुए, प्रकृति वहीं करवाया करे तो आज हो सके प्रकृति ने एक परिवर्तन लाना है, एक इतिहास बदलना है, तो वह एक मौको दियो।